With the BJP press conference being addressed by President Rajnath Singh. देश की जनता को बेहद निराशा हुई है क्योंकि आजादी के 67 वर्षों में लगातार 55 वर्षों तक अखंड हुकूमत यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है चाहे वह आर्थिक मोर्चा हो चाहे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मोर्चा हो चाहे वह कूटनीतिक मोर्चा हो हर मोर्चे पर यह कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से विफल रही है भारतीय जनता पार्टी अथवा बीजेपी लेड एनडीए के प्रति जो आकर्षण जनता का बढ़ा है उसके पीछे एक कारण और है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट यहां चलाई है और आपने कुछ क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के साथ बनी हुई सरकार जिसके प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी थे वह भी सरकार इस देश की जनता ने देखा है और कांग्रेस और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को भी इस देश की जनता ने देखा है इन तीनों सरकारों के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन यदि इस देश की जनता करती है तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचती है कि सबसे बेहतर सरकार यानी जिसे गुड गवर्नेंस कहते हैं सुशासन कहते हैं यदि कोई अलायंस दे सकता है तो वह बीजेपी लेड एनडीए अलायंस दे सकता है और जनता वैसे बहुत सारे लोग जो मुख्यमंत्री मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं देखा है कि देश में हमारी एक सरकार गुजरात की मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ की गोवा की सरकारें हैं यदि राज्य सरकारों के स्तर पर भी यदि देखा जाए तो एक अच्छा परफॉर्म करने वाली है हमारी एनडीए की सरकार है पंजाब में है इन सब सारे सरकारों के परफॉर्मेंस का यदि कोई कंपैरिजन करता है तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचता है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षा बेहतर सरकार चलाने वाली या बीजेपी अथवा बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है इसलिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी लेड एनडीए के प्रति आकर्षण तेजी के साथ बढ़ा है और मुझे विश्वास है कि 272 के फिगर को हम निश्चित रूप से हासिल करेंगे हम केवल चुनावी सफलता हासिल करके सरकार नहीं बनाना चाहते हैं बल्कि प्रारंभ से जब से हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की हम लोगों ने कहा है कि हमारा उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं है बल्कि हमारा उद्देश्य यह देश बनाना है बराबर हम लोगों ने कहा है हमसे यदि पूछे बीजेपी लेड एनडीए की गवर्नमेंट आती है नरेंद्र भाई मोदी इस भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद यह सरकार क्या करना चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा भी व्यक्ति यही कहेगा कि हम इस भारत को एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं और केवल सुपर इकोनॉमिक पावर ही नहीं बनाना चाहते बल्कि भारत को विश्व में एक सुपर स्पिरिचुअल पावर के रूप में भी हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं यदि मैं स्पिरिचुअल पावर की बात करता हूं तो इसलिए करता हूं कि जिस आइडियोलॉजी को हम लोगों ने स्वीकार किया है उसमें इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है सभी अपनी फेथ जिसे आस्था कहते हैं उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें सभी अपने धर्मों का पालन करें उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए और जैसा मैंने कहा कि इंसान और इंसान के बीच किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भारतीय जनता पार्टी न किया है और न कभी करेगी क्योंकि हमारी यह दृढ़ आस्था है कि भारत को यदि हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं जब तक समाज के सभी अंगों को ताकत देने में हमको कामयाबी हासिल नहीं होगी तब तक हम भारत को एक सशक्त भारत स्वावलंबी भारत और स्वाभिमानी भारत नहीं बना सकते हैं यह बहुत ही स्पष्ट सोच भारतीय जनता पार्टी की है मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में भी कहना चाहूंगा 2 साल पहले उत्तर प्रदेश की सरकार आई है 2 वर्षों में यहां की समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया है
मुझसे बेहतर यदि कोई मूल्यांकन कर सकता है तो इस राज्य की जनता कर सकती है और आप सब कर सकते हैं। जितने वादे किए थे आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा नहीं किया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, यह केवल समाज में नफरत पैदा करके बराबर इन लोगों ने सरकार बनाने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी जुडिशरी है, उसने भी यह कहा है कि इस उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट के नेग्लिजेंस के कारण ही यह दंगा हुआ है। यदि हमारी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने ध्यान दिया होता, साफ नीयत के साथ दंगा रोकने की कोशिश की होती तो मैं समझता हूं कि मुजफ्फरनगर का भी इतना बड़ा हादसा न होता। और जब जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें आई हैं तब तब योजनाबद्ध तरीके से बराबर इन सरकारों ने लोगों के मन के अंदर नफरत पैदा करके समाज को बांट करके सरकार बनाने की कोशिश की है। मैं पूछना चाहता हूं केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही नहीं, केवल बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से ही नहीं, सबसे पूछना चाहता हूं। आरोप लगाने के लिए तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस समय देश की सर्वोच्च जुडिशियरी, सर्वोच्च न्यायपालिका ने सीधा कमेंट किया है। यदि रंच मात्र भी नैतिकता होगी तो मैं समझता हूं कि इस सरकार को तुरंत अपना त्यागपत्र महामहिम राज्यपाल को सौंप देना चाहिए। गुजरात के एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे को लेकर तो बराबर नरेंद्र भाई के त्यागपत्र की मांग की जाती है, लेकिन आपने देखा कि 12 वर्षों तक लगातार कई जांचों का मुकाबला करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एसआईटी ने उसकी इंक्वायरी भी की, पूरी तरह से उन्हें क्लीन चिट हासिल हो चुकी है। उनके ऊपर तो अनर्गल अनायास बराबर कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इन लोगों ने लगाए हैं। लेकिन आज इस देश की सबसे बड़ी जुडिशरी ने यह साफ कर दिया है कौन जिम्मेदार है इस प्रकार के कम्युनल राइट्स के लिए अथवा इस देश की सोशल और कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए। मित्रों, आज बहुत सारे नेशनल इश्यूज की मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, लखनऊ के बारे में मैं कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं कभी कभी हमारे अटल जी यह चर्चा किया करते थे कि लखनऊ को बायोटेक सिटी के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए।